ऑरेंज लाल सभी चलता है भाई साहब। कौन सी पसंद है बेटा आपको? ये हमारी बेटी आई है मूर्ति लेने के लिए और मैंने इनसे पूछा कि बिटिया कौन सी पसंद है, तो ये हंसने लगी है, कह रही है सारी मूर्तियां मुझे पसंद है, सब ले चलो आओ जी। तो रोएंगी फिर वो। ये मूर्ति मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मूर्ति का बहुत बड़ा साइज है और ये घर में नहीं, और ये जो कलप होते हैं जो सब लोग मिलकर बनाते हैं उस पर ये मूर्ति अच्छी लगेगी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो मंदिर के, देखिए पीछे मंदिर बना हुआ है और इसके साथ ये मूर्ति बनाई गई है, ये भी बहुत खूबसूरत मूर्ति है। अब इस पर और सजावट करेंगे, बहुत ही सुंदर लगेगी। ये हमारी माता जी है, ये यहाँ पे ना सभी को कपड़ा देती हैं ताकि मूर्ति को ढक के ले जाएं और अपने घर इज्जत से लेके जाएं। अगर आपको लाल कपड़ा पसंद है तो आप लाल ले लीजिए, अगर आपको पीला कपड़ा पसंद है तो पीला लीजिए। हमने पिछले वर्ष ये काले रंग की मूर्ति ली थी जो मिट्टी कलर में थी, थोड़ी सी सजावट कराई थी, इसका एक अलग ही मजा था। तो इस बार बच्चों ने कहा कि हम रंग बिरंगी ही मूर्ति ले, तो इस बार हम लोगों ने रंग बिरंगी मूर्ति ली है। वो पीछे बहन जी अभी उसको सजा रही हैं और उसके बाद फिर मैं आपको उसके दर्शन अपने घर कराऊंगा जब उनको हम स्थापित करेंगे हर्षोल्लास के साथ। ये मेरी धर्मपत्नी जी हैं जो हर वर्ष गणपति जी लेने के लिए उत्साहित रहती हैं और सवेरे से ही मेरी जान खा रखी थी कि भाई चलना है चलना है चलना है, तो मैं साथ आया हूँ। बहुत ही पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इन्हीं से मूर्ति ली थी, रेट भी इनका अच्छा है और मूर्तियों के डिजाइन और इनकी आंखों के जो नैन है, भाई सबसे बड़ी बात है आप जब किसी भी मूर्ति को देखते हो तो उस मूर्ति को देखने के बाद वो आंखें ही कहती हैं कि आप मेरे को ले लीजिए, वो सुंदर इतना मन को भा जाती हैं कि आपका मन ही नहीं करता कि उसके अलावा कोई और मूर्ति ली जाए। तो यहाँ मैंने देखा एक क्षण में ही पसंद आ जाती हैं, आप चाहे पूरी मार्केट के अंदर मूर्तियाँ देखते हुए आइए लेकिन जो मूर्ति आपकी आंखों पे एक मिनट में भाएगी फिर उससे आगे आपके कदम बढ़ ही नहीं सकते। तो ये गणपति महाराज जी एकदम कहते हैं कि मुझे ले चलो, बिल्कुल हमें वही कहते हैं हमारे साथ चलो। ये देखो मेरी पोती है, ये मेरी पोती है, बहुत कार्टून पोती है ये। पिछली बार बेटा कौन सी मूर्ति तुझे पसंद है, इसमें क्या खासियत है बता। ये सभी बच्चे मूर्ति लेने आए हुए हैं और ये हमारे क्षेत्र के मूर्ति हैं और ये लोग पसंद कर रहे हैं। अभी मुझे एक बहन जी मिली है जो हमारे उधर रहती थी, उन्होंने पहले ही बुक करा रखी थी। तो ये देखिए आज क्या बाजार के अंदर गणपति का पहला दिन है, कितना रश है और लोगों को मनपसंद गुट के गुट आ रहे हैं पूरे पूरे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। कितनी मूर्तियां बेच लेता है बेटा तू यहाँ पे, कितनी मूर्तियां बिक जाती थी? 30-40। बहुत अच्छी। और सुबह से भीड़ है आज, तो आपका कौन सी मूर्तियां किस तरफ है आपकी मूर्तियां? अच्छा टेबल खाली सब देखिए, बहुत अच्छी। ये हमारी भाभी जी, ये हमारी भाभी जी भी आई है बच्चों के साथ। तो कैसा लग रहा है भाभी जी आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। तो आप पहली बार आई हैं गणपति में? देखिए ये हमारे यहाँ हमारी बड़ी भाभी जी हैं, ये पहली बार आई हैं। ये हमारी बिटिया भी आई है, इन्होंने भी ले लिया गणपति, इन्होंने बिठा दिया है। हमारा सह परिवार भी आया और ये मोहल्ले के बहुत सारे लोग। चूहा है तो चूहा दानी मैं मजाक कर रहा हूँ।